के मतलब वो मतलब हर एक जगह जहाँ जहाँ उनका बिल्डिंग है हर जगह पे उनके बर्थ। गाड़ी गाड़ी ये भगवान इतना गाड़ी है। दोस्तों तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। तो मैं आया हूँ आज कहाँ, बीकेसी। बीकेसी का मतलब बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। तो मैं वहीं आया हूँ जिसके पीछे जो बिल्डिंग बन रही है, ये मुकेश जी का है, मतलब मुकेश अंबानी जी का, तो सब वहीं का है। कांच का जितना बिल्डिंग दिख रहा है ना, सब वहीं का। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। अभी मैं जा रहा हूँ आगे, जाऊँगा एक जगह है वहाँ जाकर फिर बताऊँगा मैं कहाँ नहीं। और पहले ही प्रचार कर दूँ फिर बाद में पहुँचूंगा, तो आग लगने से पहले धुआं उठ जाएगा। तो इसीलिए पहले आग लगाओ फिर धुआं उठाओ, जाकर फिर बताते हैं आप सबको। तब तक के लिए बने रहिए। तो यहाँ का व्यू कुछ ऐसा ही है, देखो बहुत मस्त बनाया। पहले जब ही आया था तो नहीं बना था, अभी बहुत मस्त हो गया। ब्रिज है, ब्रिज ब्रिज यहाँ बैठने उठने के लिए मतलब पब्लिक के लिए बनाया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। दिखाता हूँ आपको बैक कैमरे से, देखिए कितना मस्त बनाया है पब्लिक के लिए, सब बैठने के लिए। ये ब्रिज है, मस्त बनाया है। और यही है अंबानी जी का, तो उधर बर्तन भी रखा होगा पर उधर आगे जाकर दिखाना पड़ेगा। ये है देखिए, उधर गार्ड्स लगे हैं, ये देखिए वहाँ गार्ड्स लगे हैं। और बाकी इधर भी रोड, उधर भी रोड, तो गाड़ियाँ बाकी सब आती जा रही हैं। पहले वैसा कुछ दिख नहीं रहा था, मतलब ये सब अभी मतलब बनना चालू हुआ था ना, तो उतना अच्छा नहीं लगा था, अब बहुत अच्छा बना था। तो आगे भी जाते हैं, कहाँ जाते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। जाते हैं फिर बताते हैं कहाँ है कहाँ नहीं। अभी जाएंगे हम कला नगर, ये है बीकेसी, मतलब उसी एरिया में है, बस इसका इसका नाम है कला नगर। तो जाते हैं फिर मिलते हैं। एक डबल महले का बस आता है, तो फर्स्ट टाइम में शायद कोई गांव से आया होगा, तो बस में बैठा तो नीचे वाले में नहीं जाकर ऊपर वाले में बैठा, तो ऊपर वाले में बैठा जाकर तो जितना जितना स्पीड से ऊपर जाकर बैठा उतना स्पीड से वो नीचे आया। बोलता भाई साले मरवाएगा क्या, ऊपर तो ड्राइवर ही नहीं है। क्या बोला तूने? यही है वो बस डबल महले वाला। देखिए यहाँ से कैसा दिख रहा है, यही है कला नगर। इधर बोर्ड तो किधर लगा है, इधर ही लगा होगा। आभार, थैंक यू बीकेसी एवेन्यू। ये देखिए ट्रैफिक लगा, इधर ट्रैफिक लगा है। ये जगह मुझे बहुत पसंद आ रहा है, बहुत बहुत आई लाइक इट। तो सोच रहा हूँ थोड़ा रेस्ट कर लूँ, क्योंकि उम्र हो गई है ना, तो इसलिए थोड़ा आराम भी चाहिए। क्या करेंगे जब पर ज़्यादा हो जाता है तो ऐसे ही करना पड़ता है। थोड़ा चलो फिर थोड़ा बैठो, अपना तो एज हो गया है, मतलब 70 प्लस देखकर ही लग रहा होगा। तो अभी कर लिया लोकेशन थोड़ा चेंज, क्योंकि एक ही जगह आप देख देख के बोर हो जाएंगे, तो इसलिए लोकेशन चेंज कर लिया। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो यहाँ का लोकेशन कुछ तो ऐसे ही है, ये बस स्टॉप है। मतलब इधर है तो क्या है, एक गार्डन है छोटा सा, मतलब पब्लिक इधर बैठती है रेस्ट करने के लिए। बैक कैमरे से दिखाते हैं, बैक ऐसे ही दिख रहा है।
जगह देख देख के आप लोग बोर हो जाएंगे, तो इसलिए लोकेशन हम चेंज कर रहे हैं, तो बने रहिए, हमें चलते हैं नेक्स्ट स्टेज से, फिर बताते हैं वहाँ क्या है, क्या है, कैसा है, कैसा है। हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा, चल। तो सब हाईवे है ना, इसलिए थोड़ा डर लगता है रोड क्रॉस करने में, इसलिए थोड़ा संभल के वीडियो बनाना पड़ता है, क्योंकि गाड़ी इतनी है ना कि समझ में नहीं आता कि अगर एक भी थोड़ा भी मिस्टेक हुआ ना तो अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा सोच समझ के बनाना पड़ता है। तो जाते हैं, बने रहिए। तो आ गए हैं दूसरी जगह पे, हम कहा हम ज़्यादा खुल के बोल नहीं पाते, क्योंकि इतनी गाड़ी चलती है यार कि दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, पता है, इतनी गाड़ी का इतना आवाज़ आता है ना कि समझ नहीं आता कि मैं बोलूँ क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो इसीलिए मैं दिखाता हूँ, कहा देखिए गाड़ी 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 ये सब, क्योंकि अभी बिना ट्रैफिक वाला है, जब ट्रैफिक लगेगा तो ऐसा दो दो तीन तीन मिनट तक, पाँच पाँच मिनट तक खुलता ही नहीं। ऐसे ही है, तो इसलिए बाहर का, क्योंकि डर भी रहता है ना अपना, तो गाड़ी तो है नहीं अपने पास, तो इसलिए चल चल के बनाना पड़ता है, तो थोड़ा डर भी रहता है ना कि कहीं शहीद ना हो जाए, इसलिए ट्रैफिक बहुत है। देखो कितना ट्रैफिक है, कितना देखो, हम भी सोचते हैं, ये है सब टैक्सी, मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा, चल। अभी लंच का टाइम हुआ है ना, तो अभी सब खाना वीना खाते होंगे, देखिए कितना गाड़ी अभी पीछे कितना छोड़ते आए, देखिए गाड़ी, इंसान बहुत कम दिख रहे हैं पर गाड़ी बहुत दिख रहा है। तो ये दो भाई लोग आ रहे हैं, तो अभी कहाँ चले, तो मिलते हैं, देखते हैं कहाँ। अरे यार शिट, अब तक वो देखिए एक्सीडेंट हो गया होता वहाँ, देखिए ये देखिए गाड़ी का तार नहीं टूट रहा है, पता है, अभी तो ये तो अभी मतलब दोपहर है, दोपहर का तो छोड़ो, शाम को रात में भी वीडियो हम सोचते हैं बनाए, पर पता है क्या, रात में ऐसा होता है ट्रैफिक लग जाता है ना, तो फिर घर पहुंचने में बहुत टाइम लग जाता है, दो दो घंटा ट्रैफिक, एक एक गाड़ी हिलता ही नहीं है, पता है, इसलिए देखो ये देखो कितने मौज कर रहे हैं अंदर जो गाड़ी में बैठे हैं। ऐसा लग रहा है ना फेस ही जल जाएगा, एक तो पहले से ही इतने गोरे हैं और जल जाएंगे तो ये हो जाएंगे, क्या बोलते हैं, जॉनी लेवर हो जाएंगे। ए राजा, गांव में तो इतना ठंडी है कि कहीं मतलब कहीं कहीं तो धूप ही धूप, कहीं तो कहीं एकदम छांव ही छांव। तो मैं आ गया हूँ फिर से उसी जगह पे, तो ये है अंबानी जी का, मैं दिखाता हूँ बैक कैमरे से, और उसको पता था दूर है, शायद दिखेगा नहीं आपको, तो बैक कैमरे से जूम करके आपको दिखाते हैं, तो यहाँ से नहीं दिखेगा, नज़दीक से जितना दिखाएंगे पर ये ढक जाएगा ना, ये दिखाते हैं, गाड़ी आ जा रहा है ना, इसलिए हम गए हैं अंदर, मतलब बहुत दिन तक, मतलब ये देखिए वो बर्तन है ना, ये कहाँ है, मेरा हाथ कहाँ गया यार, हाँ वो बर्तन दिख रहा है ना, तो वो बर्तन है, वो ऊपर बाल्टी रखा है और बाकी वो छोटा छोटा बर्तन है, अरे वो इधर से छोटा छोटा लग रहा है ना, वो बड़ा वाला बाल्टी जो दिख रहा है वो मिनिमम होगा मतलब 1000 किलोलीटर, मतलब 1000 लीटर, 1000 किलोलीटर नहीं। राजा जी, अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुक। मेरा बताने का भी तरीका थोड़ा, ये मॉल है, ये सब ये मॉल है, अंदर जाएंगे ना तो निकलने का दिल ही नहीं करता है, बहुत अच्छा लगता है, स्मेल है उसमें, काम करने वाले उनको जाने देंगे, तो यही है उधर से, अभी आगे चले जाएंगे तो फिर वो दिखेगा नहीं, नहीं तो नज़दीक से आपको दिखाते थे। देखिए ये बर्तन है, बता रहे थे ना, मतलब है जगह है बनाने के लिए, ये देखिए बर्तन है सब, घाट्स लगे हैं, उधर नज़दीक में जाएंगे तो शायद तो बोले, इसलिए वहाँ नहीं जाते पहले बोले, ये सब ये है बिल्डिंग का, मतलब ये कौन सा,
एंट्री इधर, मतलब उधर से भी एंट्री होता है, इधर से भी होता है। तो यही था आज का मेरा ब्लॉग, तो आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। मतलब ये ब्लॉग इस मुद्दे पर पहुँची है कि नेक्स्ट ब्लॉग तैयारी की जाए और दूसरी तारीख दी जाए, तो क्योंकि ब्लॉग में तो मैं ही खुद ही वकील हूँ और खुद ही जज हूँ और खुद ही मुजरी हूँ, तो इसलिए। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और अपना ध्यान रखें, अपने फैमिली का ध्यान रखें, और सतर्क रहें, सतर्क रहिए, सतर्क रहें, और देखते रहिए राज एक्शन ब्लॉग्स, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, के लिए बाय बाय, टेक केयर।